कोनिचोटो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, होप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। एंड आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वुड यू इवन फॉल इन लव विद अ पर्वर्ट एज लॉन्ग एज इट्स अ क्यूटी एनिमे का एपिसोड नंबर 12। एंड ये एपिसोड इस एनिमे का फाइनल एपिसोड है एंड इसका कोई सीजन 2 नहीं है। सो कमेंट सेक्शन में प्लीज मत लिखिएगा कि इसका सीजन 2 एक्सप्लेन कीजिए। सो ये एपिसोड आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में क्या होता है वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि इसमें कहानी का मेन जो है वो ही है पर्वट। सो और भी अभी भी एक पर्वट बाकी है। सो अभी चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एंड या वीडियो के आखिर में कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, सो वीडियो को आखिर में स्किप मत करना। एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि कोई केकी को जगा रहा है नींद से कि उठो चलो अभी उठ जाओ केकी। एंड तभी केकी का नींद खुलता है एंड देखता है सामने साइकिसन पे बैठी हुई है। एंड केकी उससे साइकिसन पे आप यहाँ पे क्या कर रही है, एंड साइकिसन पे बोलती है क्या तुम भूल गए। एंड यहाँ पे केकी बोलता है ओ हाँ मैं भूल गया था, मुझे पता चल गया था कि ये सिंड्रेला कौन है। एंड देन जब मैं स्कूल से ग्रेजुएशन कर लिया तब मैंने और साइकिसन पे ने शादी कर लिया। एंड तभी केकी का नींद खुल जाता है एंड ये सारा एक सपना था। एंड बोलता है केकी कि ये बहुत ही बुरा एक सपना था। एंड उसके बाजू से उठती है मिजुहा। एंड यहाँ पे मिजुहा उठ के ही बोलती है निशान बोल के मतलब केकी को किस कर देती है। एंड यहाँ पे तो दोनों ही एकदम चौंक जाते, मतलब केकी बहुत ही चौंक जाता है एंड मिजुहा से पूछता है कि तुम मेरे यहाँ पे बेड पे क्या कर रही हो। एंड मिजुहा बोलती है कि मैं बहुत ही लोनली थी, मुझे अपने कमरे में बहुत ही अकेला फील महसूस हो रहा था, सो मैं यहाँ पे आ गई। एंड केकी पूछता है तुमने फिर से किस क्यों किया। एंड यहाँ पे मिजुहा बोलती है कि ये कि आप अगर किसी को पसंद करो एंड आप उसे किस करो, इसमें गलती क्या है, ये तो कुछ रॉन्ग नहीं है कि आप जिस पर्सन से लव करते हो उसको किस अप कर ही सकते हो। एंड यहाँ पे मिजुहा पूछती है क्या आप नाराज़ हो। एंड फिर वो बोलती है चिंता मत करो, मेरे चेस्ट का साइज़ बहुत ही बड़ा है, आप चाहे तो ये फील भी कर सकते हो। एंड ये बोल के मिजुहा केकी को पकड़ लेती है एंड यहाँ पे बिस्तर पे गिर जाती है। एंड यहाँ पे केकी मिजुहा को पकड़ के बिस्तर पे गिरा देता है। एंड देन वो बोलता है तुम अगर ऐसा करती रहोगी तो फिर मैं भाग जाऊँगा। एंड देन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है केकी घर से भाग चुका है एंड रास्ते से जा रहा है। एंड तभी उसके मोबाइल पे फ़ोन आता है सोमा का। एंड देन वो एक कॉफ़ी शॉप पे सोमा एंड उतुरी-सान से मिलता है। एंड यहाँ पे सारे जो बातें हैं वो उन दोनों से डिटेल में बात करता है। एंड यहाँ पे उतुरी-सान बोलती है कि मुझे बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है ऐसा क्या बोले ब्रोकन एंड सिस्कोन रिलेशनशिप के बारे में, मुझे ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। एंड यहाँ पे सोमा बोलता है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, मिजुहा तो एक अच्छी लड़की है। एंड यहाँ पे केकी बोलता है हाँ वो बहुत ही अच्छी है, घर के कामों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो सबसे अच्छे से बात करते हैं एंड बहुत सारे चीज़ें बोलता है। एंड यहाँ पे सोमा बोलता है कि तो फिर प्रॉब्लम क्या है, वो बोलता है कि प्रॉब्लम यह है कि वो मेरी बहन है। यहाँ पे सोमा बोलता है कि लेकिन तुमने तो अभी कहा वो तुम्हारे ब्लड रिलेटेड बहन नहीं है। एंड यहाँ पे केकी बोलता है ठीक है लेकिन मैंने बचपन से उसे बहन की नज़र से देखा है। एंड यहाँ पे केकी उतुरी-सान से पूछते हैं कि आप दोनों अपने रिलेशनशिप में कितना आगे गए हैं। एंड यहाँ पे उतुरी-सान बोलते हैं सोमा ने मुझे गाल पे किस किया था। एंड यहाँ पे केकी बहुत ही डिसअपॉइंट होकर कहता है कि आप क्या अभी भी किंडरगार्टन में पढ़ते हैं। एंड देन वो बोलता है मैं घर से भाग चुका हूँ सो मुझे रहने के लिए एक जगह चाहिए। एंड सोमा बोलता है मेरे घर पे तो कज़न आए हैं सो सॉरी। एंड यहाँ पे उतुरी-सान बोलते हैं तो फिर तुम मेरे घर पे रह सकते हो, लेकिन केकी सोमा की तरफ देख के मना कर देता है क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसा था। एंड देन अगले सीन में हमें केकी को दिखाया जाता है एक बेंच पे बैठे हुए एंड तभी वहाँ पे नानजो आ जाती है। एंड यहाँ पे नानजो की हालत बहुत ही बुरी है। एंड यहाँ पे केकी पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, नानजो बोलती है कि पिछले रात मैं
सारा रात मतलब बीएल बुक का जो मांगा है वो लिख रही थी, सो रात को मैं सोई नहीं। एंड यहाँ पे के कि बहुत ही ज़्यादा भूखा था, एंड नान जो बोलते हैं मेरे पास कुछ ब्रेड है एंड मिल्क शेक भी है, चाहो तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। एंड यहाँ पे वो केकी को ये सब देती है एंड केकी खाता है, एंड गलती से जो केकी को नान जो जो मिल्क शेक खिला रही थी वो खुद ही खा जाती है। एंड देन यहाँ पे वो थोड़ा शर्मा जाती है एंड वो केकी नानजो को सब कुछ खुल के बताता है। एंड यहाँ पे नानजो बोलती है तो ऐसे तो छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं लेकिन ये थोड़ा सीरियस है। एंड देन केक नानजो बोलती है कि जो मिजुहा है वो हमारी स्कूल में बॉयज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, यहाँ तक कि बहुत सारे बॉयज़ ने तो उसे प्रपोज भी किया था लेकिन उसने मना कर दिया। एंड दूसरी तरफ हमें देखा जाता है मिजुहा को जो कि घर पे बैठी हुई है एंड अपने मतलब के लिए वेट कर रही है। एंड देन वो अपने मोबाइल चेक करती है एंड वहाँ पे बहुत सारे मैसेज एंड ईमेल आए हुए हैं कि प्लीज़ मुझे डेट करो, प्लीज़ मेरे फीलिंग्स को समझो, आई लव यू मिजुहा एंड बहुत सारे ऐसे मैसेजेस। एंड देन अगले सीन में हमें मिजुहा को दिखाया जाता है, वो एक बुरा सपना देखती है, सपने से उठकर वो बोलती है निशान आपका है। एंड देन यहाँ पे हमें केकी को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर से बात करता है एंड पूछता है कि क्या वो सच में मेरी असली छोटी बहन नहीं है ब्लड रिलेटेड। एंड यहाँ पे उसके फादर बोलते हैं हाँ ये सच है। एंड केकी पूछते हैं तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया, और उसके फादर बोलते हैं कि ये कोई बताने वाले बात नहीं है एंड वो ब्लड रिलेटेड हो या ना हो वो हमारे फैमिली का एक हिस्सा है। एंड यहाँ पे केकी बोलते हैं हाँ थैंक्स अभी बताने के लिए। एंड देन यहाँ पे केकी मन ही मन में बोलता है अगर मुझे पता होता कि मेरी ही छोटी बहन ने मुझे लव लेटर लिखा है तो मैं ये सब मतलब इतना दूर तक मैं कभी नहीं आता। एंड देन अचानक से बारिश शुरू हो जाती है एंड ये सोचते सोचते केकी बारिश में भीगता रहता है। एंड यहाँ पे मिजुहा बारिश हो रही है इसीलिए अपने मतलब केकी को ढूंढने बाहर जाती है छाता लेकर, लेकिन उसे खाना बनाना था एंड बहुत ही देर हो रही थी एंड केकी नहीं मिला सो वो घर आ गई। एंड कुछ देर बाद केकी भी घर आ जाता है लेकिन घर के एंट्रेंस पे आके वो गिर जाता है एंड उसे फीवर हो गया है। एंड यहाँ पे मिजुहा जल्दी से उसे अपने कमरे में ले जाती है एंड वहाँ पे लेटा देती है एंड बोलती है आप यहाँ पे रेस्ट कीजिए। एंड जब वो रेस्ट कर रहा था तभी वो देखता है कि उसके बाजू में साई किशन पे आई हुई है। एंड साई किशन पे बोलती है मैंने मिजुहा को देखा सुपरमार्केट में एंड तुम्हारे बारे में पूछा सो मुझे पता चला कि तुम्हें फेवर हो गया है। एंड देन वो आके यहाँ पे केकी के बिस्तर के अंदर आ जाती है एंड बोलती है चलो मैं तुम्हें गर्म करती हूँ। एंड देन ऐसे सिचुएशन में मिजुहा यहाँ पे आ जाती है एंड बोलती है टेक योर टाइम। एंड यहाँ पे एक गलत फहमी हो जाती है। एंड देन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यू का चान भी यहाँ पे आ चुकी है एंड यू का चान भी यहाँ पे आके बोलती है कि मुझे पता चला कि तुम फीवर से गुजर रहे हो मतलब सिक हो। एंड बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बुक्स लाई हूँ ताकि तुम पढ़कर मतलब सोए सोए बोर ना हो। एंड यहाँ पे आके वो साइकिल पे उठा देती है एंड यहाँ पे उन दोनों में छोटा सा एक झगड़ा हो जाता है दोनों को लेकर केके को लेकर कि कौन उसे गर्म रखेगा। एंड तभी यहाँ पे मिजो आ जाती है एंड बोलती है तुम दोनों अभी घर जाओ तो अब मैं मतलब केके अभी भी बहुत ही वीक है सो उसे डिस्टर्ब मत करो। एंड देखते देखते यहाँ पे रात हो जाती है एंड केके सब इतने सारे प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हुए बाथरूम की तरफ जाता है एंड बाथरूम का दरवाज़ा खोलते ही देखता है अंदर मिजुहा कपड़े बदल रही थी। एंड वो ये देखकर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देता है लेकिन दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहता है। लेकिन उससे पहले केकी जो सोच रहा था वो था फ्लैशबैक्स के बारे में कि कैसे वो मिजुहा से मिला, मिजुहा के मॉम डैड मरने के बाद वो केकी के मॉम डैड उसे अडॉप्ट कर लिया एंड बोला कि मिजुहा का बर्थडे तुम्हारे बाद आता है सो मिजुहा तुम्हारी छोटी बहन होगी। एंड केकी बोलते हैं कि ठीक है आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। एंड देन वो ये वाला सीन आता है बाथरूम वाला। एंड देन यहाँ पे केकी पूछता है कि मैं तो पहले पूछना नहीं चाहता था लेकिन मुझे शायद पूछना चाहिए कि तुम्हें क्यों मैं पसंद हूँ, मुझे ऐसा क्या है, मुझ में ऐसा क्या है कि तुम्हें इतना अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे मिजुहा बोलते हैं कि याद है जब हम पहली बार मिले थे तब आपने कहा था कि आप मेरे बड़े भाई हैं एंड आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। एंड ये सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड यहाँ पे फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है वो रो पड़ी थी एंड क्योंकि
तब उसने अपने माँ बाप को खोया था एंड कोई आके उसे बोलता है कि हम हमेशा साथ रहेंगे, इसका मतलब क्या होता है। एंड यहाँ पे वो उसको ही लेकर बैठ गई एंड केके को पसंद करना शुरू कर दिया एज ए नॉट एज ए बिग ब्रदर बट एज ए मतलब बॉय एज ए मैन। एंड यहाँ पे थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के मिजुआ बोलती है कि अगर आपको अच्छा नहीं लगता कि आप मैं आपको किस करूं तो फिर मैं ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज़ घर मत छोड़कर मत जाना। एंड केके बोलता है सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा ही चाइल्डिश हो गया था। एंड यहाँ पे वो दरवाज़ा खोल के मतलब तुआल जो है वो पहन के बाहर आती है एंड बोलती है हमेशा मेरे साइड पे रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एंड देन वो केके को गले लगा लेता है एंड यहाँ पे उसका तुआल गिर जाता है एंड केकी सब कुछ देख लेता है एंड देन फिर दोनों ही हंसने लगते हैं। एंड हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों फिर से अपने डेली लाइफ पे वापस आ चुके हैं। एंड यहाँ पे केकी बोलता है मुझे लगा था कि ये समर भी मैं गर्लफ्रेंड के बिना निकलूँगा लेकिन रहूँगा, लेकिन शायद समर अभी शुरू ही हुआ है। एंड देन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मिजुहा केकी से बोल रही है कि जो कॉन्फेशन का जो एक विनिंग का जो प्राइस था वो था कि केकी को जो भी जीतेगा केकी उसका एक बात मानेगा। सो मिजुहा बोलती है मैं वो यूज़ करना चाहती हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ एक डेट पे चले, नॉट एज ए बिग ब्रदर बट एज ए बॉयफ्रेंड। एंड यहाँ पे केकी मान जाता है एंड थोड़ा शर्मा भी जाता है एंड देन वो दोनों डेट पे जाते हैं। एंड यहाँ पे वो दोनों आइसक्रीम खाते हैं एंड पिक्चर मतलब सेल्फीज लेते हैं। एंड यहाँ पे मिजुहा कुछ सेल्फीज देख रही थी एंड तभी केकी पीछे से आ जाता है एंड यहाँ पे मिजुहा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। एंड देन केकी के हाथ में मोबाइल आ जाता है एंड वो यहाँ पे जो सीन देखता है वो देखने के बाद तो केकी बहुत ही ज़्यादा पगला जाता है क्योंकि यहाँ पे एक 18+ ने मतलब क्या बोलूँ हाफ नेकेड एक पिक सेल्फी था मिजुहा के मोबाइल पे। एंड यहाँ पे केकी पूछता है ये सब क्या है एंड तभी मिजुहा बोलती है कि असल में मैं एक एग्जीबिशनिस्ट हूँ, यानी कि एग्जीबिशनिस्ट एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें लोगों को दूसरे उसे नेकेड देखे ऐसा उन्हें अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे मिजुहा बोलती है कि आपने मुझे पूछा था कि कभी कभी क्या ऐसा लगता है तुम्हें कि बिना पेंटिस के तुम बाहर जाओ, असल मैंने बोला था नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, असल में ये छूट था बल्कि मुझे हर दिन ऐसा लगता है। एंड देन वो यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स दिखाते हैं एक के बाद एक एंड कुछ तो केकी के रूम में भी खींचा गया था। एंड यहाँ पे मिजुहा बोलती है उस दिन जब मैंने वो लेटर रखा था तब भी मैंने पैंटी नहीं पहना था एंड तब मैं पहनने ही वाली थी लेकिन आप आ गए थे इसीलिए मैं पहन नहीं पाई एंड लेटर के साथ वो बाहर रह गया। एंड केकी बोलता है मेरा जीवन का बहुत बड़ा एक मिस्ट्री आज जाके सॉल्व हुआ। एंड देन यहाँ पे मिजुहा बोलती है जो भी हो मैं जैसे भी हूँ आप मुझे एक्सेप्ट कर लेना अपने गर्लफ्रेंड के रूप में। एंड देन यही पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। ये वाला एपिसोड थोड़ा तो बड़ा था लेकिन जो भी हो आखिर का एपिसोड या इट वॉज़ गुड, लेकिन आखिर में जो एक एग्जीबिशनिस्ट वाला सीन था ये तो मुझे मतलब थोड़ा सा बुरा लगने लगा है ये वाला सीन देखने के। सो गाइस ये जो एनिमे है ये एक लाइट नोवेल से एडप्टेड है एंड इसका मांगा अभी भी चल रहा है एंड लाइट नोवेल भी अभी भी चल रहा है। सो आगे के कहानी के ऊपर शायद एक सीज़न 2 आ भी सकता है लेकिन ना आने के चांसेस ही सबसे ज़्यादा है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका आगे की कहानी को एक्सप्लेन करूँ एक वीडियो में सो आप कमेंट सेक्शन पे लिख देना या श्योर या फिर येस कुछ भी एंड इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना एंड यस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। एंड इसके ऊपर एक इस एनिमे के कहानी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं लाने की सोच रहा हूँ। सो आप लोगों का क्या ख्याल है। सो गाइस आज का वीडियो ये तक था, मिलता है अगले किसी वीडियो में किसी नए एनिमे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए। आरा, आरा।